हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल आजाद इंग्लिश कैरियर पॉइंट। स्वागत करता हूं मैं आपका आजाद इंग्लिश कैरियर पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, पहले अभी आपका बहुत सारा प्यार मिला है, उम्मीद करता हूं आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। और आज जो दोस्तों मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, हालांकि जो मैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एग्रीकल्चर के अंदर जो हमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, जैसे हम अंकुरण प्रतिशत की बात करते हैं, शुद्धता प्रतिशत की बात करते हैं, रियल वैल्यू की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है आज मैं आपको यहाँ फॉर्मूलों के माध्यम से लेके आया हूँ, और उससे हम समझेंगे कि हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा है जीपी, ठीक है, जीपी मतलब जर्मिनेशन परसेंट, या हम जिसको अंकुरण प्रतिशत भी बोलते हैं, अंकुरण प्रतिशत, ठीक है। तो अंकुरण प्रतिशत का हमारा सूत्र क्या होता है, तो देखो, टोटल जर्मिनेटेड सीड, टोटल जर्मिनेटेड सीड बाय टोटल सोन सीड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का, मतलब कुल अंकुरित बीजों की संख्या बटे टोटल बीजें या कुल बोए गए बीजों की संख्या इनटू 100 करते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है, अंकुरण प्रतिशत। और दोस्तों, आपको पता है सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा अंकुरण प्रतिशत, ज्यादा जीपी किस बीज का होता है, तो ये ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। 90% जीपी होता है, जर्मिनेशन परसेंट होता है, वो हमारा किसका होता है, मेज का, ठीक है, मेज का होता है। और उसके बाद में सेकेंड की बात करते हैं तो हमारा सबसे लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट किसका होता है, तो लोवेस्ट दोस्तों हमारा होता है कॉटन का, कॉटन का कितना होता है, 65% के करीब। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, जीपी और पीपी के बारे में ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जर्मिनेशन परसेंट की बात। अगला दोस्तों बात करते हैं हम, अगला जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है पीपी, प्योरिटी परसेंट, पीपी, या हम ये कहते हैं शुद्धता प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत। और शुद्धता प्रतिशत की बात करते हैं तो दोस्तों, शुद्धता प्रतिशत आपको पता है कि कोई भी सीड होता है उसकी शुद्धता प्रतिशत होना जरूरी है, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार के कंकड़ पत्थर है या वीड्स वगैरह के सीड उसमें होते हैं, तो उसके लिए शुद्धता प्रतिशत होना भी आवश्यक है। तो हम इस शुद्धता प्रतिशत का सूत्र ये कह सकते हैं, प्योर सीड, प्योर सीड, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं शुद्ध बीज अपॉन कुल बीज, कुल बीज, या हम इसको कुल बीज, या हम ये कह सकते हैं सैंपल, सैंपल वेट इनटू में 100 करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, शुद्धता प्रतिशत। और आगे दोस्तों हम बात करते हैं आरवी, रियल वैल्यू, ठीक है, या जिसको हम वास्तविक उपयोगिता मान कहते हैं, वास्तविक उपयोगिता मान, ठीक है। ये इसका हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये ऊपर वाले सूत्र हमने बात की है, तो जीपी, जर्मिनेशन परसेंट इनटू पीपी, प्योरिटी परसेंट अपॉन 100 करते ही दोस्तों हमारा क्या निकल जाता है, ये हमारा वास्तविक उपयोगिता मान का पता चल जाता है। अगर हम दोस्तों अच्छे उत्तम बीज की बात करते हैं, तो उत्तम बीज किसे माना जाता है, जिसकी रियल वैल्यू, जिसकी आरवी कितनी होती है, 75%, ठीक है, लेस देन या मोर देन और इक्वल टू 75%, ठीक है। तो मतलब 75% या उससे अधिक अगर रियल वैल्यू है तो वो हमारा किस बीज की श्रेणी में आएगा, वो हमारा उत्तम बीज या, ठीक है, हाई क्वालिटी बीज की श्रेणी में आएगा। तो ये उत्तम बीज की श्रेणी में हमारा यहाँ पे आता है। और नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे, इसमें ये चीज होगी अब प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी प्रकार की प्लांट पॉपुलेशन ज्ञात करनी है, प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, पौधों की संख्या, सबसे महत्वपूर्ण है पौधों की संख्या का। आपसे कई बार पूछा जाता है प्रश्न देके कि इसमें पौधों की कितनी संख्या आएगी, हालांकि ये हमें प्लांटेशन के अंदर, फ्रूट क्रॉप के अंदर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है एरिया, ठीक है, एरिया, या हम ये कह सकते हैं क्षेत्र वर्ग मीटर में, ठीक है, वर्ग मीटर में अपॉन हमारी होती है क्या, P into L, ठीक है, ये चीज हम अपॉन में लगाते हैं। P का मतलब होता है पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है, या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी इंटू में L मतलब लाइन, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये चीज हमारा प्लांट पॉपुलेशन ज्ञात करने का महत्वपूर्ण फॉर्मूला है।
जैसे कई बार हमारे से पूछ लिया जाता है मैंगो के अंदर कि 1 हेक्टर मैंगो के अंदर कितने प्लांट्स लगेंगे, तो हम मैंगो की अगर प्लांट पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं, तो प्लांट पॉपुलेशन कैसे काउंटिंग करते हैं, आपको पता है 1 हेक्टर के अंदर, 1 हेक्टर के अंदर कितना एरिया होता है, 1 हेक्टर इक्वल टू एरिया कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वेयर। तो हमें यह पता है 10,000 मीटर स्क्वेयर है, तो 10,000 मीटर स्क्वेयर अपॉन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी होती है 10 मीटर, और स्क्वेयर क्योंकि हम स्क्वेयर सिस्टम में लगाते हैं, वर्गाकार सिस्टम में लगाते हैं आम के पौधों को, और जो प्लांट टू प्लांट 10 मीटर और पंक्ति से पंक्ति या लाइन टू लाइन डिस्टेंस इज 10 मीटर। अब इसको हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है 100 प्लांट। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्लांट की आप पॉपुलेशन निकाल सकते हो। इसका हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, और एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं आपके पपाया की बात कर लेते हैं। ठीक है, पपाया की तो पपाया के अंदर आपको पता है, आप दोस्तों आपको ये चीज पता नहीं पपाया के अंदर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, तो ये है हमारा पपाया की 3x3 और इसकी जो पूसा नन्हा, ठीक है, पूसा नन्हा वेराइटी होती है उसकी डिस्टेंस 1.25 मीटर। ठीक है, ये मीटर में होती, मीटर में रखी जाती है, ये भी हमारी मीटर में रखी जाती है लाइन, और ये प्लांट डिस्टेंस इसमें रखी जाती है। अगर हम पपाया के अंदर कॉमनली इसकी प्लांट पॉपुलेशन ज्ञात करते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर, तो 10,000 upon 3x3, तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 9 upon 1 1 1 1 या कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 1111 समथिंग कुछ प्लांट आ जाएगी, या 1112 प्लांट हम कह सकते हैं। तो ये चीज दोस्तों आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम प्लांट पॉपुलेशन की काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जो 3-4 सूत्र है। और दोस्तों आपको फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, और अब हम कलर की बात कर लेते हैं, आपके जो सीड होते हैं मेनली जो सीड होते हैं सीड के कलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीड के बारे में बात कर ही गए हैं, तो आपको थोड़ा सा कलर के बारे में मैं शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन सा कलर होता है। ठीक है, पहला हम बात करते हैं तो हमारा केंद्रक बीज होता है। ठीक है, केंद्रक बीज जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सीड। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ब्रीडर सीड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रजनक बीज। ठीक है, अब इन दोनों का दोस्तों कलर क्या होता है, गोल्डन कलर का। इसके ऊपर टैग किस, इनके जो बीज के पैकेट आते हैं तो टैग किस कलर का होता है, गोल्डन कलर का। ठीक है, गोल्डन कलर। और नेक्स्ट होता है हमारा जो थर्ड नंबर का फाउंडेशन सीड, और इसको हम आधार बीज बोलते हैं, आधार बीज। तो दोस्तों इसका भी कलर किस प्रकार का होता है, तो इसका कलर होता है व्हाइट प्रकार का। ठीक है, व्हाइट टैग, इसके ऊपर व्हाइट टैग होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड, हमारा चौथा कौन सा होता है, सर्टिफाइड सीड, या जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमाणित बीज। अब प्रमाणित बीज के ऊपर किस प्रकार का होता है, तो ये हमारा किस प्रकार का होता है, ब्लू कलर का टैग होता है। उस पांचवे की बात करते हैं, हमारा रजिस्टर्ड सीड होता है, रजिस्टर्ड सीड के ऊपर किस प्रकार का होता है, पर्पल ऑरेंज कलर का। दोस्तों सबसे पहले बात आप चीज ध्यान रखना, जो केंद्रक और ब्रीडर सीड होता है वो हमारा प्राथमिक सीड होता है, और सबसे ज्यादा महंगा होता है, वो प्रजनन की देखरेख में होता है, और ये बहुत ज्यादा मूल्य का बीज होता है, बहुत ज्यादा कीमती बीज होता है। इसके ऊपर कीमती बीज होने के कारण ये क्या है, गोल्डन या सोने कलर का इस पर टैग होता है। दूसरा होता है हमारा फाउंडेशन सीड, जो जिसकी फाउंडेशन सीड की प्रोजीनी कौन सी होती है, वो हमारी होती है जो है प्रजनक, जो आपका ब्रीडर सीड। ठीक है, ब्रीडर सीड क्या होती है, किसकी प्रजनी होती है, आधार बीज की। इसके ऊपर किस प्रकार का टैग होता है, इसके ऊपर व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर की क्या होती है, चांदी। देखो सबसे महंगा क्या होता है, सोना, सोने से सस्ता क्या होता है, चांदी। और उसके बाद में जो सर्टिफाइड सीड है, प्रमाणित बीज है, वो हमारे किसानों को उपलब्ध होता है, उसके ऊपर किस प्रकार का टैग होता है, ब्लू कलर का। और जो रजिस्टर्ड सीड होता है नॉर्मल सभी जगह पे, जो SSC, ठीक है, SSC स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, नौ की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन या अदर जो स्टेट रजिस्टर्ड सीड कंपनियां होती है, वो कंपनियां उत्पादन करके और वो डायरेक्ट किसको करती है, फार्मर्स को सेल करती है। तो फार्मर्स को उपलब्ध होने वाले बीज कौन कौन से हैं, ये हमारा रजिस्टर्ड सीड, और ये दोनों किसके उपलब्ध होते हैं, फार्मर्स को, ये हमारे फार्मर्स को यहाँ पे दिए जाते हैं।
तो दोस्तों ये है मोटा मोटे तौर पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं किस प्रकार का वीडियो बनाएं, और अगला जो वीडियो होगा सबसे महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर से आपका स्वागत है आजाद एग्री कैरियर पॉइंट के अंदर, और थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।